देखेंगे एफर्ट्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रयत्न, उनके कल्याण के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या एफर्ट्स किए थे। रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड विधानसभा, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो रूल लॉ बना था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसके बेस पर गवर्नमेंट ने ट्राइब्स के लिए संसद और विधानसभा में जो रिजर्वेशन था उन्हें उपलब्ध कराया गया। रिजर्वेशन इन जॉब, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा उन्हें हर क्षेत्र वाइज उपलब्ध कराई गई। स्पेशल फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं क्षेत्र की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराई गई। शिक्षा से संबंधित जो भी सुविधाएं उन लोगों के लिए, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी थी, वो राज्य सरकारों के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई। रूल्स फॉर टॉर्चर्स, जनजातियों को अत्याचार से बचाने के लिए हर एक क्षेत्र में उस क्षेत्र की स्थिति के अनुसार नियमों को बनाया गया और नियमों का सख्ती से पालन कराया गया, जिससे कि जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं उन्हें शोषण से अत्याचार से बचाया जा सके। ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनजातियों के विकास के लिए हर एक क्षेत्र में अलग से उस क्षेत्र की स्थिति के अनुसार विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया। उन विकास कार्यक्रमों के आधार पर जनजातियों की स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिला। डेवलपमेंट ऑफ सहकारी विपणन, हर एक क्षेत्र में सहकारी विपणन की स्थापना की गई जनजातियों के लिए। सहकारी विपणन वो होते थे जो लघु स्तर के आधार पर अपने व्यावसायिक जो उनके कार्य थे वो जिन वस्तुओं का निर्माण करते थे और जो भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें उसका जो एक प्रॉपर प्राइस था ट्राइब्स को नहीं मिल पाता था, सरकार द्वारा सहकारी विपणन की स्थापना की गई। सरकार के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी, ये संस्था सरकार के और ट्राइब्स के जातियों के बीच में जो उनकी खरीदारी और जो उनका इनकम का साधन था उसका एक सोर्स बनी थी, और जो कि ट्राइब्स के द्वारा बनाए गए सामान को उचित दामों पर खरीद करके उन्हें उसका उचित मूल्य प्रदान करते थे, जिससे उन्हें आर्थिक शोषण से बचाया जा सके। फैसिलिटीज ऑफ री एस्टेब्लिशमेंट, पुनर्स्थापन की सुविधा आदिवासियों के लिए ट्राइब्स के लिए की गई। विभिन्न कारणों से, विभिन्न विकास कार्यक्रमों की वजह से या फिर किसी प्रकार के शोषण की वजह से जिन जनजातियों का जो था कि उनके घर बार नहीं रहे थे, उनके पास उनकी भूमि नहीं रही थी, सरकार ने विभिन्न नियमों के अनुसार उन्हें रहने के लिए, भूमि करने के लिए मकान और खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराई। अदर वेलफेयर एफर्ट्स, इसके अलावा बहुत सारे अन्य कल्याण कार्यक्रम थे सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर सभी जनजातियों के लिए चलाए गए, जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। और इस तरह के कार्यक्रम में हम एजुकेशनल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल बेस रिलेटेड सभी फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे सजेशंस टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम, समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और गवर्नमेंट एफर्ट्स होने के बाद भी हमें बहुत सारी जगह पर जो है ट्राइब्स की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकली उनकी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो इन समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, किस तरह से ट्राइब्स के लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण किया जा सकता है, इसके लिए कुछ सुझाव बेसिकली यहाँ पर दिए गए हैं। सॉल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉब्लम, सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि ट्राइब्स के जो क्षेत्र हैं, जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती हैं, वहाँ में बाहरी लोगों के जो प्रवेश है उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। बाहरी लोगों के जो हमने पढ़ा था कि जो आउटर पीपल्स हैं वो ट्राइब्स का शोषण करते हैं, जो ट्राइब्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं, भोले भाले हैं, बाहर के लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें तरह तरह की समस्याओं में फंसा देते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके रहने पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके ऊपर किसी तरह के जो है संस्कृति के अंदर आकर उनकी संस्कृति का लोस ना हो, ह्रास ना हो। इसलिए ज़रूरी है सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण कर सकती है जिससे उनकी संस्कृति को बचाया जा सके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रूव टू ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो आर्थिक समस्याएं हैं जनजातियों की उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जनजातियों के लिए रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करे और उन्हें स्वरोजगार के लिए भी योग्य बनाए, ट्रेन करे। नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सामाजिक समस्या के समाधान के लिए ज़रूरी है कि जो जनजातियों से इलेक्टेड उनमें पर्सन है, जो एजुकेटेड होके पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, उनका
जो है प्रतिनिधित्व करते हैं अपने जनजातियों का, जिनकी आप कहेंगे कि जिनकी पकड़ है उन्हीं के बीच से जो नेता राजनीति में है और जिनकी बात वो बेसिकली मानते हैं, और जो जनजातियों की समस्याओं से उनके रहन सहन से व्यक्तिगत रूप से रूबरू होते हैं। तो सरकार इन नेताओं के द्वारा जो जनजातियों के विचार हैं, उनकी थिंकिंग है, उनकी मनोवृत्ति है जो कि एक नकारात्मक स्थिति में है, उसने परिवर्तन लाए, उनसे बात करके उनके द्वारा उनकी स्थिति में बेहतर सुधार लाया जा सकता है, उन्हें समझाए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है और उसी आधार पर उन्हें कल्याण कार्यक्रमों में आगे बढ़ाए। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम प्रैक्टिकल एजुकेशन इन ट्राइब एरियाज, प्रोवाइड हेल्दी फूड, बुक, स्टडी मटेरियल एंड स्कॉलरशिप। शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है सरकार जो छात्रवृत्ति ट्राइब्स जनजातियों को उपलब्ध कराती है उस पर प्रतिबंध, उससे रोक लगा के उसकी जगह स्वास्थ्य पोषण संबंधी भोजन की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था और अन्य सामग्री की व्यवस्था कराए, क्योंकि जब स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है ट्राइब्स को नहीं पता है, तो उनके माता पिता का ध्यान अपने बच्चे की शिक्षा पढ़ना होगा, उससे प्राप्त होने वाली शिक्षा पे रहता है, और वो छात्रवृत्ति जिस सामग्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है बेसिकली वो सामग्री बच्चों को नहीं मिल पाती। तो ज़रूरी है सरकार छात्रवृत्ति की जगह अन्य जरूरी सामग्री जो है जनजातियों के बच्चों को उपलब्ध कराए। सॉल्व हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, अवेलेबिलिटी मोबाइल डिस्पेंसरीज इन ट्राइबल एरियाज, ड्रिंकिंग वाटर, अवेयर टू पीपल अबाउट हेल्थ रूल्स एंड इम्पोर्टेंस। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल डिस्पेंसरीज की शुरुआत करे या इसकी जो उपलब्धता उसे बढ़ाए। मोबाइल डिस्पेंसरी दैट जो हर एक 10 से 15 किलोमीटर के एरिए में जाकर के बस में एक आप कहेंगे कि बस चिकित्सालय एक बस हॉस्पिटल ये होता है, बस में डॉक्टर्स होते हैं मेडिसिन होते हैं, तो 10 से 15 किलोमीटर के एरिए को वो कवर करती है, वहाँ पर जाकर जनजाति जो हैं उनके जो नेसेसरी वैक्सीनेशन हैं, आवश्यक टीकाकरण है, हेल्थ विटामिन रिलेटेड जो टैबलेट्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड कराए और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है वो उपलब्ध कराए, पीने का स्वच्छ पानी उन्हें उपलब्ध कराए, लोगों को गंदगी दूर करने के उपाय, हमें स्वच्छ रहने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इस तरह की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, स्टॉप करप्शन। विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की वजह से जनजातियों की समस्याओं में इजाफा हुआ था, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो विकास कार्यक्रम जो योजनाएं सरकार के द्वारा जनजातियों के लिए शुरू की जाती है वो उन्हें प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती करप्शन के थ्रू, भ्रष्टाचार की वजह से, तो सरकार इस करप्शन के रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए और इस तरह की व्यवस्था करे कि जो विकास कार्यक्रम जो योजनाएं उसका लाभ व्यक्तिगत रूप से जनजातियों को उपलब्ध कराया जा सके। पॉलिटिकल प्रॉब्लम, राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जो रिजर्वेशन अवेलेबल कराया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और जो कुछ पार्टीज हैं अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करती है, तो उस स्तर पर भी सरकार कार्य करे जिससे कि जो गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है इन लोगों के मन में, उसे दूर किया जा सके।